नमः शिवाय। मैं मोनिका अग्रवाल आप सबका आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर मोनिका पर स्वागत करती हूँ। और अब हम बात करेंगे तुला राशि वालों के जीवन में दिसंबर के महीने में क्या अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, उन्हें क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, उन्हें क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए और क्या ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे कि उनका दिसंबर का महीना और आने वाला साल बहुत ही अच्छा शानदार बीते। तो इस महीने में उनके कई तरीके के जीवन पद्धति में और पारिवारिक जीवन में बदलाव देखने को मिल सकते हैं जो उनके विकास के रास्ते को बहुत ज़्यादा प्रबल करेंगे। इस समय उनके पेशेंस थोड़ा सा टेस्ट हो सकता है। कार्य संबंधित अगर हम बात करते हैं, करियर से रिलेटेड करते हैं, तो इस समय उनको बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहने की, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत हो सकती है। उनके धैर्य की परीक्षा इस समय की जा सकती है। चुनौतियों से आपको इस समय बिल्कुल भी नहीं घबराना है। और अगर आप व्यवसाय से जुड़े हुए हैं किसी, तो आपको ये सलाह दी जा सकती है कि इस समय कोई भी पार्टनरशिप आप ना करें, कोई नया वेंचर आप स्टार्ट ना करें। मल्टी लेवल अगर किसी मार्केटिंग के बिजनेस में आप हैं तो प्लीज़ इस समय थोड़ा सावधानी रखिए। और ऐसे कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है, आप अनएम्प्लॉयड हैं, तो प्लीज़ उसको बिल्कुल भी ना आप ग्रैब करें। कोई भी बिजनेस इस महीने आप साझेदारी से स्टार्ट ना करें तो आपके लिए बेटर रहेगा। इस समय अपने खर्चों पे आपको कंट्रोल करके चलने की ज़रूरत होगी। एक बजट बनाकर अगर आप चलते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। ज़्यादा क्रेडिट कार्ड का यूज़ इस समय आप नहीं करें, आपके लिए बेटर रहेगा। अगर आप स्वास्थ्य की दृष्टि से बात करते हैं तो चूँकि सर्दी का सीज़न भी है और उस पर से बृहस्पति की आठवें में स्थिति होने की वजह से आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। थ्रोट इन्फेक्शन, आँखों से संबंधित किसी प्रॉब्लम से बचने की आपको कोशिश करनी चाहिए। थोड़ी देर सूर्य की रोशनी में आप ज़रूर बैठें, आपको ज़रूर फ़ायदा रहेगा। प्रेम और वैवाहिक संबंधों की अगर बात करते हैं तो इस समय आपको थोड़ा डिप्लोमेटिक होकर चलने की ज़रूरत है। अगर आप विवाह योग्य हैं और विवाह की तारीख निकाल रहे हैं तो दिसंबर के महीने को अवॉइड करिए, आपके लिए बेटर रहेगा। अदरवाइज़ आपकी शादी में बहुत सारा इश्यूज आ सकता है। पारिवारिक जीवन की बात करते हैं तो आपको थोड़ा बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलने की ज़रूरत होगी। अदरवाइज़ थोड़ा सा आपके पारिवारिक जीवन में सामंजस्य कम देखने को मिल रहा है। 29 दिसंबर के बाद स्थिति आपके जीवन में थोड़ी बेटर दिखाई दे रही है। उस समय अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक आपको अच्छे लाभ हो सकते हैं। संतान पक्ष से भी 29 दिसंबर के बाद आपको कोई अच्छी न्यूज़ सुनाई पड़ सकती है। इस समय को बेहतर बनाने के लिए आप रेगुलर बेसिस पे हनुमान मंदिर के दर्शन ज़रूर करिए। हनुमान चालीसा सुनना या पाठ करना आपके लिए बेटर रहेगा। और गणेश जी के मंदिर में जा कर के अपने मंदिर में ही गणेश जी को प्रतिदिन अगर आप दूर्वा चढ़ाते हैं तो आपका ये महीना बहुत अच्छा बीतेगा। नमः शिवाय।